ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं कृतिका नक्षत्र या मासिक कार्तिकाई के बारे में, जो कि बहुत ही विशेष समय होता है। जैसे आद्रा नक्षत्र होता है, वैसा ही कार्तिक नक्षत्र होता है, कृतिका नक्षत्र होता है, जो मासिक कार्तिकाई कहलाता है और शिव पूजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय होता है। अब की बार जो माघ मास में या यूं कह लीजिए जनवरी 2023 में जो कृतिका नक्षत्र पड़ रहा है, वो 30 जनवरी सोमवार को पड़ रहा है। बहुत ही विशेष समय है, नोट कर लीजिए। वैसे तो आप सभी शिव भक्त सोमवार को तो शिव पूजन करते ही हैं, किंतु इसमें कुछ विशेष और स्पेशल चीजें हैं। देखिए, पहला तो है सोमवार तो है ही, साथ में कृतिका नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि कृतिका नक्षत्र जो कि सोमवार से युक्त हो, यदि सोमवार को कृतिका नक्षत्र पड़ता है, तो ऐसा जो समय होता है बहुत विशेष होता है। और इस सोमवार से युक्त कृतिका नक्षत्र में की गई शिव पूजा महान दारिद्र्य को नष्ट करने वाली होती है। सभी प्रकार के जो दरिद्रता होती है, जो गरीबी होती है, उसको हटाने के लिए बहुत विशेष और इम्पोर्टेंट समय यह होता है। अब इस विशेष समय को हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है और इसमें शिव पूजन करना है। और लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले, जो लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, ऐसे शिव भक्तों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है। पूरा दिन ही कृतिका नक्षत्र व्याप्त रहेगा सोमवार 30 जनवरी को, इसलिए इस पूरे दिन में आप जब भी चाहे आप शिव पूजन अवश्य करें। पर्सनली मेरी राय से करें तो जो प्रदोष का समय होता है, सूर्यास्त से 1.5 घंटा पहले लेकर के सूर्यास्त से 1.5 घंटा बाद तक का जो समय होता है, उसमें आप शिव पूजन अवश्य ही करें, क्योंकि प्रदोष का वो समय आपको प्राप्त हो रहा है, सोमवार आपको प्राप्त हो रहा है और कृतिका नक्षत्र प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय होगा शिव पूजन के लिए। और दरिद्रता मिटाने के लिए क्या विशेष इस समय में हमें शिव पूजन में करना चाहिए, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, बहुत सारे उपाय हैं जो आप इस विशेष समय में कर सकते हैं लक्ष्मी प्राप्ति को लेकर के। कुछ स्ट्रोंग उपाय, कुछ पावरफुल उपाय मैं आपको बता देता हूं, जो आप अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो जैसा आपका सामर्थ्य बने वैसा आप करिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो है भगवान को आपको अष्टांग जल से स्नान कराना है। एक स्टील के लोटे में या मिट्टी के पात्र में आप दूध, जल, दूध, दही, घी और आपके चावल, तिल, कुसा का अग्रभाग और सरसों के जो दाने होते हैं, ये सब आइटम आप आठों के आठों आप उस जल में, मैंने पहले भी एक वीडियो में पूरा अष्टांग जल के बारे में विशेष आपको बताया हुआ है, इस अष्टांग जल को लोटे से भर लीजिए और फिर आप भगवान का अभिषेक करिए। जो बिना टूटे हुए चावल है वो आपको अर्पित करने हैं भगवान के लिए। साथ ही आपको कम से कम 108 बेलपत्र, ना हो सके तो आप 11 तक भी रख सकते हैं, किंतु 11 से कम मत करना है। 11 बेलपत्र लीजिए और उन्हें धो करके एक तरफ अच्छी तरह से रख लीजिए। फिर आप जो बिल्व की लकड़ी होती है, बिल्व कास्ट होती है, उस लकड़ी को घिस करके आप चंदन बनाइए। देखिए, अगर आपने अभी नए जुड़े ही चैनल से और बिल्व चंदन के बारे में नहीं जानते, तो बिल्व की लकड़ी को घिस करके निकाला गया चंदन बिल्व चंदन कहलाता है। बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है, बहुत पावरफुल होता है और लक्ष्मी प्राप्ति इससे बहुत शीघ्र होती है। किंतु इस लक्ष्मी प्राप्ति के चक्कर में आप पाप मत अर्जित कर लेना, इसलिए तरीका फिर बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपने अभी तक बिल्व की लकड़ी प्राप्त नहीं की है या कोई टहनी आपके पास नहीं है और आप प्राप्त करने जाएं, तो अपने जूते चप्पल उस बिल्व वृक्ष से 200 गज दूरी तक बाहर ही रखना। फिर वहां जाना बिल्व के पास में और हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, प्रदक्षिणा करना, उसके बाद उनसे अनुमति लेते हुए, शिव कार्य को उद्देश्य करते हुए, शिव का कार्य बताते हुए, आप छोटी सी एक टहनी लेकर आए और उसे घिस करके उसका चंदन आपको निकालना है। उस चंदन से आपको उन 21, 11 या 108 जितने भी आप बिलपत्र अर्पित करना चाहते हैं उनके ऊपर तिलक करिए और उसके बाद उनको वैसे ही रखा रहने दीजिए। फिर जो कुमकुम होता है, यदि आपके पास कुमकुम है प्राकृतिक वाला, तो अच्छी बात है, नहीं है तो केवल उतने चंदन से काम हो जाएगा। वो बेलू की लकड़ी का जो चंदन है वो सब तीनों, जैसे एक बेल पत्थर है तो तीनों भागों पर आपको उसे तिलक करना है। उसके ऊपर थोड़े थोड़े आप अक्षत रखिए बिना टूटे हुए और फिर आप नमः शिवाय मंत्र से आप वो सारे के सारे बिल्व लिंगम पर अर्पित करें। यह सब प्रोसेस है अभिषेक होने के बाद की।
ये कार्य आप करिए, गूगल की धूप आप करिए और खीर का नैवेद्य आपको इस दिन अवश्य ही लगाना है। साथ ही गूंगेपन से कुछ नहीं होगा, ये सब अर्पित करने से आप करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना भी करनी है, भगवान को बोलना भी है कि आपका क्या उद्देश्य है, अन्यथा आपके निष्काम भाव की कैटेगरी में चला जाएगा। इसलिए मांग लीजिए, अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो आप मांग लीजिए। कुछ से भक्त होते हैं जो कुछ भी नहीं मांगते, तो वो दो डिवाइडेशन होते हैं, सकाम और निष्काम। तो जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए। यदि आपको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए तो फिर आप भगवान को ऐसा भूलिए। साथ ही आपको भगवान शिव के स्तोत्र का पाठ भी करना है। स्तोत्र बहुत विशेष है और ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप कलेक्शन में अपना रख सकते हैं या फिर इसे नोट भी कर सकते हैं कि शिव के निमित्त आपको विशेष डायरी बना लीजिए, उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं, प्रिंट निकाल लीजिए। ये स्तोत्र बहुत ही पवित्र स्तोत्र है, बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। ये है शिव मंगल स्तोत्र। ये ऐसा स्तोत्र है जिससे आपके जीवन में मंगल की वृद्धि होती है, अर्थात आपके जीवन में मांगलिक कार्य होते हैं और सब और मंगल ही मंगल होता है, अच्छा होता है। भगवान शिव का एक नाम भी है, सौभाग्य विवर्धनम, सौभाग्य मंगलम विवर्धनम। भगवान सौभाग्य का वर्धन करते हैं, सौभाग्य बढ़ाते हैं और इस स्तोत्र के पाठ से सौभाग्य की वृद्धि होती है, मंगल की वृद्धि होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए जितना सामर्थ्य हो आप इस समय का लाभ उठाइए, जैसा भी आपसे बन पड़े वैसा आप शिव पूजन करिए। साथ ही दीप आपको अवश्य प्रज्वलित करना है और एक चीज और, आपको तिल के तेल का दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है भगवान के सामने, शिवलिंग के पास में तिल के तेल का दीपक, इससे भी लक्ष्मी प्राप्ति होती है। भगवान के लिंगम के ऊपर आप केसर भी अर्पित कर सकते हैं। ये सब चीजें बहुत प्रभावशाली है और भगवान की कृपा बहुत जल्द इससे होती है। जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ लीजिए। कोई भी किसी भी प्रकार की शंका हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं और प्रयास करके इस विशेष समय में शिव पूजन आप अवश्य ही करिए, चाहे सकाम करिए या फिर निष्काम करिए, जैसी भी आपकी मर्जी, किंतु इस विशेष समय का लाभ आप अवश्य उठाइए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।